wish you all of you a very very happy new year. Vartika's shows की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. देखिए ना, हर 12 महीने के बाद फिर एक नया साल आता है और फिर हम जोश में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अब इस साल की शुरुआत कुछ अलग ढंग से करेंगे और कुछ खास चीज़ जो होते हैं हमारे रेजोल्यूशंस, जो हमेशा एक महीने बाद हम वहीं पर आ जाते हैं और वही सेम लाइफ शुरू हो जाती है. लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि हम इस बार रेजोल्यूशन ही कुछ ऐसा करें कि हम इस रेजोल्यूशंस को पूरे साल ही निभाएंगे, यही हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए. और जो मैंने इस साल सोचा है, वैसे तो मेरी हमेशा से ही मैं यही कोशिश करती हूँ कि नो कंप्लेनिंग. और मैं भी ये चाहती हूँ कि एक महीना एटलीस्ट आप शुरुआत का जो पूरा जनवरी है वो भी अगर आप इसी के साथ बिताएं कि अपनी किसी भी चीज़ के लिए किसी को ज़िम्मेदार ना ठहराएं. बहुत सारी चीज़ें हमारे घर परिवार में होती हैं, ऑफिस में होती है, प्रोफेशनल लाइफ में होती है, और हम अपनी हर चीज़ के लिए इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, इसकी वजह से मैं बॉस नहीं बन पाया, इसकी वजह से मेरा इंक्रीमेंट रुक गया, या इसकी वजह से देखो मेरी शादी ऐसे हो गई. छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं और हम उन चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ना लेकर किसी और के ऊपर देते हैं. तो क्यों ना शुरुआत का सिर्फ एक महीना आप ऐसे निकाल कर तो देखिए, फिर आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो एकदम चेंज हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी आपने अपनी खुद ले ली है, तो उसको दूर कौन करेगा, अब आप खुद ही करेंगे. क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो कुछ बना रही हूँ, एक ऐसा गिफ्ट जिसको आप पूरे साल एंजॉय कर सकते हैं, पूरे 12 महीने. एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, खाने में भी अच्छी है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो रेसिपी का नाम है क्रंची सीड्स, और सीड्स बहुत फ़ायदेमंद हैं, इनको खाना चाहिए. तो इन्हें खाने का एक ऐसा तरीका जो सबको अच्छा लगेगा. मिक्स सीड्स हैं, उसमें से मैंने लिया है अलसी, और ये है खरबूजे के बीज हैं. तो मैं सबको पहले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ. ये देखिए इस तरह से, कि थोड़ी सी मैंने अलसी भी ली है. अलसी वैसे क्या होता है, थोड़ा सा एक बिटर टेस्ट देती है, तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रख लीजिएगा. ये है खरबूजे के, ये है सनफ्लावर सीड्स, ये बहुत ही अच्छे होते हैं. ये ऐसे खाने में नहीं आते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से ये आपके खाने में ज़रूर से आएंगे. पम्पकिन सीड्स, ये देखिए ये इस तरह के होते हैं, दिखने में कितने खूबसूरत हैं, और पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे होते हैं. ये है खसखस, ये मोटी इलायची है जिसको कि मैंने हल्का सा मोटा कूट लिया है, पीसा नहीं है, जस्ट मैंने कूट के उसका छिलका अलग कर दिया है. और वैसे और भी तरीके के सीड्स आते हैं, इनमें आप चाहें, क्योंकि मैंने सिर्फ हेल्दी सीड्स ही यूज़ करे हैं इसमें, ड्राइनर्स भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने सिर्फ अभी सीड्स ही लिए हैं. बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ताकि अगर आप थोड़ा टाइम इसको रख भी लेंगे ना तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगी. तो ये जो सीड्स हैं, मैंने इनको ड्राई रोस्ट करके इस तरह से ले लिया है, ये तकरीबन एक कप के हिसाब से हो गए. तो ये एक कप है तो हमें इतनी ही हमें चीनी चाहिएगी इसके लिए. तो ये देखिए मैंने बराबर की क्वांटिटी में चीनी ले रखी है, जिसको अब हम कैरेमलाइज हल्का सा, मतलब सिर्फ मेल्ट करेंगे. ये मैंने डाल दी है. इस तरह से चीनी कैसे मेल्ट होना शुरू हो गई है, ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे ये मेल्ट होती जा रही है. तो आप देख रहे हैं कि जो चीनी हमने ली थी वो पूरी इस तरह से मेल्ट हो गई है, और इसका देखिए एक सुंदर सा गोल्डन कलर भी आ गया है. अब चीनी मेल्ट होने के साथ ही ये जो सीड्स हैं जो हमने रोस्ट किए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ. अच्छे से आप इसको मिक्स कर दें, और इस समय फायर है यानी कि जो गैस है आप उसको ऑफ कर दीजिएगा. गैस ऑफ करके आप इन्हें इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और इसे जल्दी से यानी कि एकदम क्विकली, यहाँ पे मैंने देख रहे हैं आप कि मैंने घी लगा रखा है, और ये पूरा मैं इस पर ले रही हूँ. इस समय चीनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, अपने हाथ का बहुत ध्यान रखिएगा. आज जब मैं दिन में ये बना रही थी तो इनफैक्ट मेरा भी हाथ जल गया था चीनी की वजह से, क्योंकि कैरेमलाइज चीनी है तो बहुत गर्म होती है. जो ये बेलन है इस पर भी मैंने घी लगा रखा है, इसको हम साइड में करते हैं.
थोड़ा सा इसे आप गरम गरम कोई इस तरह से बेल लीजिएगा, और अगर आप लंबा बेल सकते हैं लंबा, अगर आप चकले पे बेल रहे हैं तो आप चकले को घुमा लीजिएगा। मैं इसको सिर्फ इस तरह से लंबा ले रही हूँ क्योंकि मैं अभी इसको किसी भी शेप में और घुमा नहीं सकती हूँ, लेकिन आप चकले को मूव कर लीजिएगा जैसे भी आप करना चाहते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, तो ये इससे मैं इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। कट्स भी आप जल्दी से लगा दीजिएगा वरना बाद में आपको लगाने का मौका नहीं मिलेगा। ये इतनी हार्ड हो जाती है, इतनी क्रंची, इतनी टेस्टी बनती है। सीड्स का टोटल यूज़ किया गया है, और ये देखिए इस तरीके से जो ये वाला पार्ट है आप इसको अलग कर दीजिएगा। कितनी अच्छी शाइनिंग है इसमें, इतनी सुंदर लग रही है, देखा आपने। और आज ही ये मैंने फ्रेश बनाई है, इसके मैंने पीसेस को देखिए कट करा और इस तरह से मैंने इसे किया। और जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ सीड्स का यूज़ किया है क्योंकि सीड्स जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इनको जो क्लिंग रैप आता है आप उसमें रैप कर लीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी भी लगेगी, सुंदर भी लगेंगे। और अपने पर्स में रखिए, और जब भी आपको हल्का सा भी कुछ लग रहा है, कुछ हल्का सा खाना है, चॉकलेट्स की जगह आप इन चीज़ों को खाइए। सीड्स भी हैं, साथ में थोड़ा सा मीठा है तो आपको एनर्जी आ जाएगी इंस्टेंटली। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी मैंने आज ही बनाई है। इसमें सिर्फ मैंने ड्राई नट्स का यूज़ किया है, जैसे बादाम, काजू हैं, पिस्ता है, ये हल्के से आप देख रहे हैं ये खसखस के हैं। तो इस तरह से मैंने जो भी ड्राई नट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनका यूज़ करके सेम तरीके से जैसे मैंने सीड्स का यूज़ किया आप मिक्स ड्राई नट्स का यूज़ करें। तो ड्राई नट्स और ये सीड्स की सौगात है वर्तिका शो की तरफ से। इस नए साल में पूरे साल इसको एंजॉय करिएगा। और एक चीज़ एक पीस में खा के बताती हूँ। वाओ, अमेजिंग क्रंच, वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। सीरियसली मेरे कहने से इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, जिससे मिलने आप जा रहे हैं नए साल पे, आप उनके लिए भी इसको एक गिफ्ट पैक करके ले जाइएगा, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और वो भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सीड्स खा सकते हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज़ में आप देखिएगा सीड्स का बहुत सारी तरीके से यूज़ करते हैं वो लोग, दही में डालते हैं ताकि हम इन्हें इनटेक कर सकें, छाछ है, लस्सी है। तो मैंने इसको क्या किया, इस फॉर्म में दिया कि ख़राब भी नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छी रहेगी। जब भी खाएंगे आप वर्तिका को याद करिएगा। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले मैं यही कहूँगी कि नया साल शुरू होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपने सोची होंगी, बहुत अच्छी चीज़ें सोची होंगी, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि वो सारी अच्छी चीज़ें जो अचीवमेंट्स आपने सोचे हैं वो आपके फुलफिल हों और आप बहुत खुश रहें। और बस ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पे रहे। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। और रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।